नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज चली, जिसका पहला मुकाबला कल खेला गया और उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्नस लबुशेन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि क्रिकेट के इतिहास में आज तक नहीं बना है। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करी, बेहतरीन फील्डिंग करी और लाजवाब बल्लेबाजी कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। और आप सभी को बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ मार्नस लबुशेन ने किया और साथ के साथ ही ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से धमाकेदार पारी खेली और अपनी टीम की जीत में एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को बता दें कि जो इंग्लैंड है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 316 रन यानी कि 50 ओवर में 316 रन बनाए थे और जो इस टारगेट को यहां पर रन को जो है चेस करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और 53 साल के जो वनडे का इतिहास है उसको यहां पर जो मार्नस लबुशेन ने एक रिकॉर्ड बनाया। तो बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम ने 49.4 ओवर में 315 रन बनाए थे, 316 रन का टारगेट था और बेन डकेट इंग्लैंड के खिलाड़ी ने 95 रनों की पारी खेली थी। और इसके जवाब में जो है आप सभी को बता दें कि यहां पर मार्नस लबुशेन ने 61 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए, 3 विकेट लिए और 4 उन्होंने कैच पकड़े, यानी कि 77 रन और 3 विकेट 4 कैच फील्डिंग करते हुए। और इसी के साथ ही उन्होंने जो 53 साल का वनडे क्रिकेट का इतिहास है उसमें एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया कि जो आज तक किसी और खिलाड़ी ने नहीं बनाया। और उसके अलावा अगर बात की जाए ट्रेविस हेड की तो ट्रेविस हेड ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। पिछले 2 सालों से अगर आप देखें ट्रेविस हेड इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनते जा रहे, चाहे वो T20 हो या फिर ODI हो। और यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ भी ट्रेविस हेड ने 129 गेंदों में 154 रनों की पारी खेली जिसमें 20 शानदार चौके थे और 5 छक्कों की मदद से उन्होंने 154 रन की पारी खेली है जो कि वन ऑफ द बेस्ट पारी हम कह सकते हैं। और इंग्लैंड की टीम जो कि कहते हैं कि वनडे क्रिकेट को बदलने आई थी वो इस समय उसकी हालत पस्त हो रखी और पहले मुकाबले में 316 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को जीता और 5 मैचों के सीरीज में यहां पर 1 मैच की 1-0 से आगे जा चुकी है। अब दूसरे मुकाबले में देखना होगा कि क्या कुछ जो है इंग्लैंड कर पाती है, क्या वो कमबैक कर पाती है नहीं कर पाती। पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई कि मार्नस लबुशेन चाहे वो गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो, तीनों डिपार्टमेंट में मार्नस लबुशेन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके एक अनोखा ही इतिहास बनाया है। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।